मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सबसे पहले वंदन उस परम सत्ता को जिसने हम इस धरती में हम सबको लाया। दूसरी बात, आपको एवं आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारत में ही नहीं अपितु विश्व में रहने वाले हमारे आत्मजनों को, प्रियजनों को, वैदिक सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी बंधुओं को मेरा होली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज होली का महापर्व है और इन होली के महापर्व में ये बुराई और असत्य की, मिथ्या को भगवान ने दमन करके एक सत्य की स्थापना भगवान ने की है। और ये होली का जो महान पर्व है ये भाईचारा का है और हम सब इस महान होली के पर्व पर हम सब के हृदय में जो एक द्वंद्व हमारे अंदर छिपा हुआ है, उस द्वंद्व को, असत्यता को, मिथ्या को, अधर्म को नष्ट कर भगवान हमारे हृदय में सद्भावनाएं, मंगलमय करुणा, सद्भावनाएं, सभी के सद्विचार, समन्वयता की भगवान हमारे हृदय में अंकुरित करें, ताकि हमारा जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, समृद्धिमय हो। क्योंकि ये जीवन बार बार मिलता नहीं है। भगवान ने, बाबा तुलसीदास ने रामायण में कहा, दुर्लभम मानुषो देही काय, बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन। और हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में हम इस, यह जो पर्व हमको ये सिखाता है कि हम समस्त अपने जीवन में किसी प्रकार का भी कोई राग द्वेष इत्यादि हमारे जीवन में व्यसन उत्पन्न हुआ हो, उन सब राग द्वेष व्यसन को दमन करते हुए हमारे हृदय में केवल प्रेम की गंगा बहे और मंगल की उमंगाएं हमारे हृदय में प्रफुल्लित हो, और हम यही कामना करते हैं। ये जो त्यौहार मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, यूपी बिहार में बहुत धूमधाम से बनाते हैं इस त्यौहार को। सब लोगों को मैं राजा रामचंद्र भगवान की तरफ से आप सबको आज की होली के महापर्व के ऊपर राजा रामचंद्र भगवान की तरफ से शुभकामना देता हूँ। ये होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? होली होलिका ये हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप ने 100 साल तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि जिस तरह ब्रह्मा जी आपका संसार में यश है, इसी तरह मेरा भी यश हो। उसके हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप हैं, और हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद जी प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे, और प्रहलाद जी भगवान के प्रिय भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान को, भगवान का दर्जा उसने स्वयं ले रखा था और ये कहता था कि भगवान मुझे ही मानो, लेकिन प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। उसने, हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद को, तुम क्या करना चाहते हो? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं भगवान की भक्ति करूँगा, राम नाम स्मरण करूँगा। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने की कोशिश की। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि भगवान तुम्हारे दुश्मन हैं, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है नारायण का, इसलिए प्रहलाद को बड़ा दुख दिया। कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। प्रहलाद का मन एक रहा था, भगवान के चरणों में लगा हुआ था। प्रहलाद जी को भरोसा भगवान श्री राम जी का था, इसलिए प्रहलाद जी का कुछ बांका बाल नहीं बिगड़ता था। तब एक बार हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, और उसको वरदान था कि एक चुन्नी भगवान के वरदान के द्वारा उसको मिली थी। वो चुन्नी ओढ़ती थी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता था। तो हिरण्यकश्यप अपने बहन को कहा, तुम इस प्रहलाद जी को अपने गोद में रखो तो आग लगाएंगे, तू अपनी चुन्नी ऊपर रख लेना। चुन्नी रखती थी तो कुछ भी बिगड़ता था, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो चुन्नी प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, तो प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, तो होलिका जल के समाप्त होगी, भस्म हो गई थी। इसलिए ये पर्व तब से बना आ रहा है, आज भी बना रहे हैं। ये भगवान ने ये पर्व स्वयं बनाए हैं कि इस पर्व के जो भगवान भी आते हैं तो भगवान और हमारा मिलन होता है। इसलिए मैं आज होली के महापर्व की सबको अधिक शुभकामना देता हूँ राजा रामचंद्र भगवान की तरफ से, और आज ठाकुर द्वारा में होली का महापर्व बनाया जा रहा है।
आप सब लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप लोग आएं, दर्शन भी करें, होली भी खेलें और प्रसाद भी ग्रहण करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।